नवाज शरीफ का उन बहादुर कौम के बेटों और सिपाहियों को सलाम जो फलक पोश पहाड़ों और सरहदों पर अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं। कल ही वजीरिस्तान और बलूचिस्तान में 20 शहादतें हुई, कौम का हर फर्द सोगवार है। मेरे ये मुजाहिद भाई और बेटे, ये शहीद और शोहदा, ये फौज की इज्जत बनाते हैं, ये कौम की इज्जत बनाते हैं, इन्हें कौम सलाम पेश करती है। इनकी माओं को, इनके वालदैन को कौम सलाम पेश करती है। तुम कौम के हीरो हो, नवाज शरीफ तुम्हारा एहसान मंद है, कौम तुम्हारी ममनून है, कौम तुम पर फख्र करती है। मगर चंद लोग कहते हैं कि हम आईन और कानून के ताबे हैं और सियासत में हिस्सा नहीं लेते, तो फिर मेरा सवाल यह है कि वो कौन लोग थे जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस पे चढ़ाई करके नवाज शरीफ को गिरफ्तार किया था, हुकूमत को तोड़ा था और उठा के नवाज शरीफ को काल कोठरी में डाल दिया था। वो कौन लोग थे जिन्होंने 4 दफा मुल्क में मार्शल्ला लगाया? कौन थे वो लोग, और वो कौन लोग हैं जिन्होंने स्टेट अबव द स्टेट बना ली हुई है? कौन इसका जिम्मेदार है? मुल्क में 2 मुतवाजी हुकूमतों का कौन जिम्मेदार है?